क्या हुआ सयूरी? क्या हुआ सयूरी? सयूरी क्या हुआ? एक सेकंड रुक जा बैठ। वो कान्हा बैठ ना, पहले बैठ के बात कर हमसे। सयूरी कुछ नहीं है, बैठ। क्या हुआ तो ठीक है। क्या हुआ कान्हा, ये ऐसी घबराई हुई क्यों है? पता नहीं कह रही है, वहां किसी को देखा इसने, लेकिन वहां तो कोई नहीं है। सयूरी क्या हुआ बता ना। मैंने वहाँ पे सयूरी कुछ नहीं होगा, हम सब है ना तेरे साथ। फैमिली वाले यहाँ पे, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा। नकुल सयूरी कान्हा ठीक है ना बेटा, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब है ना तेरे साथ। शांत हो जा बेटा। क्या हुआ? किसको देखा? सांस ले, आराम से। देखा मैंने बाप, आराम से। किसको? अरे लेकिन विक्रांत तो मर गया था ना। नहीं वो मरा नहीं, वो हमारे आसपास है, वो इधर ही है, वो किधर भी हो सकता है, वो इधर भी, वो इधर देखा था मैंने। सयूरी आराम से, कुछ नहीं होगा। सब जगह देखती है, वहाँ पे कोई नहीं। नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो है, वो इधर ही है, वो मैंने उसे देखा था, वो वहाँ पे। तो तू मेरा भरोसा करता है ना, आप लोग मेरा भरोसा करते हैं ना। मैं तू जानता है मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं मेरा यकीन है ना तुझे। तू भरोसा करते हैं तुझ पे, तूने देखा है तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। लेकिन तू फिक्र मत कर, हम है ना तेरे साथ, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी डरो कैसे निकाला? वो मुझे फिर से कैद कर सकता है, वो मुझे मार डालेगा, वो बच्ची को। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम है ना सयूरी। कान्हा बेटा, सयूरी को अंदर लेकर जाओ, उसे आराम की जरूरत है। हाँ। नकुल भाई, भाभी तो सो गई है, मुझे लगता है आपको भी आराम कर लेना चाहिए। आई एम श्योर जब वो उठेंगी ना तो इस चीज को भूल गई होंगी, तो आप परेशान मत होइए। कैसे परेशान ना होना कर, तूने देखा ना कितनी घबरा गई थी, वो कैसे कांप रही थी। पता नहीं वो विक्रांत ही था या तुझे क्या लगता है? आई मीन इतने बड़े ब्लास्ट के बाद कोई बच सकता है क्या? कुछ श्योरली कह तो नहीं सकते। अगर आपको तो एक बार इंस्पेक्टर से बात कर ले, शायद वो कुछ बता पाए। सब लोग कितने खुश थे, सयूरी कितनी खुश थी, लेकिन सबकी खुशियों पे जैसे पानी फिर गया। ऐसे अचानक से पता नहीं क्या देख लिया उसने। और अगर ये विक्रांत ही है तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है इस बात से डील कैसे करना है। हम जब दीदी को संभालते हुए नीचे ला रहे थे सीढ़ियों से, तो उन्हें लगा कि हम उन्हें नीचे धक्का देना चाहते हैं। हमें लगता है नकुल, विक्रांत की हरकतों की वजह से ना दीदी के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है। रश्मि सही कह रही थी, शायद भाभी के दिमाग पे गहरा असर पड़ा है, तभी वो चीज़ें इमेजिन कर रही है। पर इस वक्त भाई को ये बात बता के परेशान करना ठीक नहीं होगा। तू क्या सोच रहा है? नहीं कुछ नहीं, मतलब हम यही सोच रहे थे कि हमें भाभी को समझाना होगा कि हम सब उनके साथ हैं, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। आप भी रेस्ट कर लीजिए, हम आते हैं। कैसे अभी भी डरी हुई है क्या? नहीं भाभी अब सो गई है, और भाई भी उनके साथ ही बैठे हैं। पता नहीं दीदी को क्या हो गया है, हमें तो बहुत चिंता हो रही है उनकी। अभी कुछ देर पहले भी वो ऐसे ही उल्टी सीधी बातें कर रही थी। पता नहीं उनके दिमाग में, उनके मन में ऐसा वहम कैसे आ जाता है माँ। पहले वो वाला और अब ये विक्रांत वाला। हमें लगता है साल भर में उनको जो सदमा लगा है ना, उससे बाहर आने में उन्हें कई साल लग जाएंगे। और फिर भी पता नहीं वो पूरी तरह से बाहर आ पाएंगे कि नहीं। किसके बारे में बात कर रही हो तुम राशु? हाँ क्या हुआ था कुछ देर पहले? नकुल कौन सा वहम हो गया है सयू को? राशू छोड़िए माँ, रहने दीजिए, सुनकर आपको तकलीफ ही होगी। देखिए माँ, हम बस ये कहना चाहते हैं कि उस आदमी की कैद में रहकर दीदी के दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ है। पता नहीं उस आदमी ने क्या क्या किया होगा दीदी के साथ, कैसे कैसे सताया होगा, कितना टॉर्चर किया होगा उन्हें। सोचे ना माँ, वो आदमी यहाँ नहीं है फिर भी उन्हें दिखाई दे रहा है। ये तो कुछ नहीं, अभी हम जब सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, उन्हें संभाल कर लेकर आ रहे थे, उनके दिमाग में पता नहीं अचानक से क्या हुआ और उन्हें लगा कि हम उन्हें धक्का दे देंगे। आप ही सोचिए माँ, हम ऐसा कर सकते हैं क्या? अरे करना तो दूर, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमें लगता है दीदी बहुत डरी हुई है और इस सदमे से बाहर आने में उनको बहुत टाइम लग जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कान्हा के दुल्हन के दिमाग का वहम हो ये, या फिर हो सकता है कि ये विक्रांत वाकई में जिंदा हो, यहाँ आ गया और उसे देखकर कान्हा की दुल्हन डर गई हो। नहीं नहीं मौसी दादी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे विक्रांत उसी कार में था जो जलकर राख हो चुकी थी, फिर वो जिंदा कैसे हो सकता है? नकुल तुम ही बताओ ना, क्या ये पॉसिबल है? तुमने देखा है ना ब्लास्ट होते हुए, तो बताओ ना सबको। हाँ रश्मि सही कह रही है, मतलब उस आग से विक्रांत का बचना नामुमकिन है। फिर भी हम भाई से कहेंगे कि कल इंस्पेक्टर साहब से बात कर ले और एक बार बात पक्की कर ले। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर, कुछ पता चला आपको विक्रांत बचा या नहीं उस ब्लास्ट में? कुछ भी श्योरली कहने से पहले हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार करना पड़ेगा। और वो कब तक आएगी? कुछ एक दिन लग सकता है। अब प्लीज पता करके हमें बताइए ना, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जी श्योर, थैंक यू। भगवान करे वो बचा ही ना हो, ऐसे शैतानों का इस धरती पे कोई काम नहीं है। पता नहीं कैसे सताया होगा उसने हमारे सईयों को, जो सईयों का ये हाल होगा। इंदु, जो हुआ उसे हम बदल तो नहीं सकते ना, हाँ इस पल से कोशिश जरूर कर सकते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ा सकते हैं। हर पल उसके आसपास रह के, उसका ख्याल रख के उसे ये एहसास दिला सकते हैं वो अकेली नहीं है, पूरा परिवार उसके साथ है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, उसे तो हिम्मत देनी ही होगी हमें, क्योंकि हम नहीं चाहते सयू किसी भी सदमे में चली जाए। हाँ माँ, लेकिन अभी दीदी के जो लक्षण है ये देखकर तो हमें वैसा ही लग रहा है। लेकिन माँ, हमें सयू दी के साथ साथ कान्हा भैया का भी ध्यान रखना होगा। देखिए ना कितनी मेहनत से उन्होंने ये सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन दीदी के वहम की वजह से सब बेकार हो गया। कोई बात नहीं, कान्हा सब समझता है और आज जो कुछ उसने किया है दोबारा फिर से कर सकता है ना। और जहाँ तक कान्हा की दुल्हन की बात है ना, तो हमें तो लगता है कि इतनी चिंता करने वाली तो कोई बात ना है। अरे वो डर गई थी, दिमाग से वो बात निकल जाएगी तो ठीक भी हो जाएगी। और फिर कान्हा है ना उसके साथ, उसे संभालने के लिए। हाँ मौसी दादी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कृष्णा जी करे ऐसा ही हो। हालांकि जीजू के लिए पुरानी यादें भुलाना बहुत मुश्किल होगा, पर हम जानते हैं सयू दी की खातिर जीजू अपनी परवाह कभी नहीं करेंगे। वो हमारे आसपास है, वो इधर ही है, वो किधर भी हो सकता है, वो इधर भी, वो इधर देखा था मैंने। बहुत कुछ सहा है तूने, लेकिन अब और नहीं, अब हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। और अगर सच में तूने विक्रांत को देखा है ना, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हमें सयूरी के साथ साथ कान्हा भैया का भी ध्यान रखना होगा। देखिए ना कितनी मेहनत से उन्होंने ये सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन दीदी के वहम की वजह से सब बेकार हो गया। सयूरी की खातिर जीजू अपनी परवाह कभी नहीं करेंगे। तेरी आंखों में आंसू क्यों है बहू? अपने बच्चे को दुख में देखकर उसकी माँ कुछ कर ना पाए तो उसके आंसू उसकी कहानी बता देते हैं। मौसी जी, हम नहीं जानते हमारे बच्चे को कब तक ये सब सहना पड़ेगा। पहले पत्नी को खोने का दुख, फिर अचानक पता चला कि वो जिंदा है तो उसे पाने की लड़ाई, और जब वो मिल गई तो अलग परेशानियां। उसके अपने जीवन साथी उसके जीवन में दुख की वजह बन गई है। मौसी जी, हमें तो लगता है कि हमारे बच्चे को छोटी छोटी खुशियों के लिए जिंदगी भर तरसना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। कितना अशुभ सोचती रहती है वो। अरे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा ना। और आज तो जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी क्या गलती है? हम कहाँ कह रहे हैं मौसी जी उसकी गलती है, हम बिल्कुल ये नहीं सोच रहे, ये भी नहीं कह रहे कि ये सब जानबूझ के कर रही है वो। लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कान्हा के दुखों की वजह तो बन रही है ना। अब देखिए ना, कान्हा ने कितने प्यार से कितने चाव से ये सारी तैयारियां की थी ताकि अपनी पत्नी के साथ कुछ लम्हे हंसी खुशी बिता सके, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। हमें तो लगता है हमारे नसीब में हमारे बच्चे का हंसता चेहरा देखना है ही नहीं। हे भगवान, क्या क्या सोचती रहती है तू। अरे भरोसा रख ऊपर वाले पे, और मन ज्यादा अशांत हो ना ईश्वर का नाम ले। अरे हमारा कान्हा और कान्हा की दुल्हन तो राम सीता की जोड़ी है, और तुझे तो गर्व होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि तूने ऐसे बेटे को जन्म दिया जो अपने जीवन साथी का साथ निभाने के लिए हर वक्त उसके साथ खड़ा रहता है। हम सब समझते हैं मौसी जी, लेकिन इस माँ के दिल का क्या करे बताइए, जो अपने बच्चे को खुश देखने के लिए तरस रहा है। भगवान के घर देर है अंधेर ना है बहू। हो सकता है आज जो कुछ भी हुआ पहली और आखिरी बार हुआ, आगे कभी भी ऐसा हो ही ना। भगवान पर भरोसा रख। हमें नहीं पता सयूरी ने उस विक्रांत को देखा है या नहीं, लेकिन हमें घर वालों को मनाना बहुत जरूरी है कि दीदी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इससे पहले कि दीदी घर वालों को हमारा सच बता दे, हमें सबको यकीन दिलाना ही होगा कि दीदी का दिमाग खराब हो चुका है। हाँ रश्मि, अब यही एक तरीका बचा है। अगर घर वालों ने तुम्हारी बात मान ली तो सयूरी की बात पर किसी को विश्वास होगा ही नहीं, कोई उनकी बात पर यकीन करेगा ही नहीं। सॉरी दी, लेकिन हमें ये करना ही होगा। बेटा आप यहाँ? हाँ, तुझसे मिलना चाहती थी, परेशान हो रही थी तेरे लिए, इसलिए यहाँ आई। लेकिन लगता है तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, है ना कुकू? कुकू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप जाओ नानी के पास नीचे, मैं रेडी होके आती हूँ, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। ओके? कैसा फील हो रहा है तुझे? ठीक हो कान्हा, इसकी जरूरत नहीं है। पक्का ना? ठीक फील हो रहा है? नहीं होता तो क्यों बोलती कि ठीक हूँ? नहीं, कल जो हुआ वो